आइसोलेशन पॉपुलेशन में पृथक्करण के लिए आवश्यक है। और ये पृथक्करण कई कारणों से होता है, जिसमें हम देखेंगे पहला ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, नदियाँ नाले पहाड़ पर्वत माउंटेंस जो भी हैं वो अवरोध पैदा करते हैं विभिन्न प्रकार की स्पीसीज में फर्टिलाइजेशन होने के लिए, उनके ब्रीडिंग को रोकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज बनता है पृथक्करण का। दूसरा हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक आइसोलेशन, सीजनल जो कारण होते हैं, कहीं का मौसम गर्म होता है कहीं का ठंडा होता है, उस कारण से जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण भी जो स्पीसीज है आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाती हैं और उनमें पृथक्करण रहता है और उनमें विभिन्नताएं होती हैं क्लाइमेटिक आइसोलेशन के कारण। दूसरा है इकोलॉजिकल आइसोलेशन, जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं इन्वायरमेंट है वो भी प्रभावित करती है यहाँ पे पृथक्करण के लिए। इसी तरह से आइसोलेशन के और कारण देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, हर स्पीसीज का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है और इसके कारण उनमें आपस में ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। इसी तरह से हम और देखते हैं जैसे गैमेटिक वायबिलिटी, कि अगर किसी कारण से गैमेट्स में निषेचन हो भी जाता है, एम्ब्रियो भी हो जाता है, तो वो सर्वाइव आगे नहीं कर पाएंगे एम्ब्रियो, या फिर जो गैमेटिक स्टेरिलिटी होती है वो भी प्रभावित करती है। कई स्पीसीज जो होती हैं उनमें जो अगर इनिशिएशन होता है तो उसके कारण जो नए जीव पैदा होते हैं वो बंधे होते हैं, जैसे कि हम मॉथ्स में देखते हैं जो स्टेराइल नहीं होते हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि किस तरह से और भी फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं आइसोलेशन को, जैसे कि डिस्टेंस दूरी जो है वो प्रभावित करती है और दूरियां जो है वो कवर नहीं करते कोई भी जो स्पीसीज है, जो अपने आसपास के एरिया हैं उसी के हिसाब से वो ब्रीडिंग करते हैं और जो पॉपुलेशन है वो उसी हिसाब से आगे बढ़ती है। कुछ जैसे देखते हैं हम साइकिक कारण होते हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि बर्ड्स है उनमें कोर्टशिप बिहेवियर होता है या कोई भी मीटिंग प्रोसेस होता है वो सब में अलग अलग होता है और इस कारण से जो मेल जो चुना जाता है उसी प्रोसेस से ब्रीडिंग होती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल हम देखते हैं, फिजियोलॉजिकल जो कारण है उसके कारण भी आइसोलेशन होता है, कि जैसे कि उसमें फिजियोलॉजिकल में हम ड्रोसोफिला के बारे में बात करते हैं कि ड्रोसोफिला जो है वो उनमें ब्रीडिंग जो हो सकती है लेकिन उनके जो ब्रीडिंग टाइम है उसमें उनकी जो ब्रीडिंग एरिया है वो स्वेल हो जाता है और ये ब्रीडिंग कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन जब वो ये परिवर्तन केवल ब्रीडिंग टाइम पर ही होता है। तो फिजियोलॉजिकल जो आइसोलेशन है वो भी पृथक्करण को प्रभावित करता है। इसी के अलावा और फैक्टर जैसे मैकेनिकल आइसोलेशन हम बात करेंगे, कि जिसमें कि डिफरेंट जो स्पीसीज है वो अपने स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होते हैं उसके कारण ब्रीडिंग नहीं कर पाते। तो कुल मिला के पृथक्करण से जो जीन्स होते हैं
वो इवोल्यूशन में मददगार होते हैं, क्योंकि जब स्पीसीज आपस में ब्रीडिंग नहीं कर पाती है तो उनमें जीन्स जो होते हैं वो परिवर्तित होते हैं, यानी कि एक जगह के जो स्पीसीज होंगे, प्राणी होंगे, वो दूसरी जगह के प्राणियों से भिन्न होंगे, उनके जीन्स में समानता नहीं होंगी, जो इवोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनता है।